दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वैग एंड टेक पर। फाइनली दोस्तों Xiaomi ने इंडिया के अंदर बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। जी हाँ, हम वेट कर रहे थे Redmi Note 7 का, साथ में Redmi Note 7 Pro भी लॉन्च कर दिया है और सरप्राइज दे दिया सभी को। मार्केट के अंदर जो है यार मतलब तबाही सी मचा दी है और किल करके रख दिया है बाकी ब्रांड्स को यहाँ पर, और मतलब कंपटीशन को एक तरह से खत्म ही कर दिया है। तो दोस्तों काफी वीडियोस आप देख चुके होंगे जहां पर इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो है आपको बताई गई है। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा अलग बताने वाला हूँ, पांच ऐसे रीजन आपको बताने वाला हूँ जो इस फोन को पहला डिवाइस बना देते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे ब्रांड से, या फिर Redmi Note की पिछली सीरीज जो है अगर हम उनको कंपेयर करके देखते हैं तो पांच ऐसे खासियत है इसमें जो इसको पहला डिवाइस बनाती है। साथ ही एक प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको Redmi Note 7 Pro के साथ हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 का, और अगर अभी तक आपने स्वैग एंड टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्पेसिफिकेशन अभी भी नहीं पता है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इस समय स्पेसिफिकेशंस जो है वो दिख रही होंगी, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बता देता हूँ। जो Redmi Note 7 Pro है 4GB RAM 64GB वाला जो वेरिएंट है यहाँ पर उसकी प्राइस रखी गया है 13,999 रुपीज, यानी कि अंडर 14,000 रुपीज लॉन्च किया गया है। अगर मैं बात कर लेता हूँ टॉप वेरिएंट की 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, वहां पर इसकी प्राइस रखी गई है 16,919 रुपीज। तो यार मतलब ये भी काफी अच्छी प्राइसिंग है। तो दोस्तों अब सीधा चलते हैं पांच ऐसे रीजन की तरफ। जी हाँ, तो दोस्तों पहला रीजन ये कि यहाँ पर ये पहला डिवाइस है जो आपको अंडर 14,000 रुपीज में मिलेगा स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के साथ। जी हाँ, इससे पहले स्नैपड्रैगन 675 अगर आपको देखने को मिलता है तो 25,000 से 30,000 के फोन में देखने को मिलता है, लेकिन ये पहला डिवाइस है जो आपको अंडर 14,000 रुपीज में मिल रहा है स्नैपड्रैगन 675 के साथ, जो कि 11 नैनोमीटर की फिनफेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, काफी पावर एफिशिएंट है। साथ के साथ क्रायो 460 पर बेस्ड है, रीनो 612 आपको देखने को मिलता है, 2.2 GHz पर क्लॉक करता है, तो काफी पावरफुल जो है ये प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे फैक्ट की। जी हाँ, तो ये पहला डिवाइस है जो आपको अंडर रुपीज 14,000 में सोनी IMX 48 मेगापिक्सल का ट्रू कैमरा जो है वो आपको दे रहा है अपर्चर F1.7 के साथ। जी हां, साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा तो मिल ही जाता है। तो मतलब अभी तक किसी भी ब्रांड ने 14,000 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड नहीं कराया है अगर हम सोनी IMX 586 की बात करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया रीजन है। जी हां, अगर मैं बात कर लेता हूं तीसरे रीजन की जो कि इस फोन को फर्स्ट डिवाइस बना देता है, तो वो है इस फोन की बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, डिस्प्ले, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस वाला आईपीएस पैनल मिलता है। आप सोचेंगे इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि यहाँ पर आपको गोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, और जो पहला डिवाइस इसको बना रही है भाई वो इसलिए बना रही है क्योंकि आपको रियर साइड में भी गोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। इससे पहले अगर अंडर 14,000 के किसी भी स्मार्टफोन्स को देख लीजिए आप, अगर आपको फ्रंट साइड में ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, गोरिल्ला ग्लास मिलता है तो रियर साइड में नहीं मिलता है। तो ये अंडर 14,000 पहला डिवाइस है जहां पर आपको फ्रंट में भी और रियर साइड में भी गोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो यानी कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार होने वाली है। अब कोई अगर इसको तोड़ना चाहेगा तो तोड़ सकता है भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ही स्टर्डी डिवाइस जो है ये आपको दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगले फैक्ट की बात कर लेता हूं, तो वो Redmi Note सीरीज को लेकर है। जी हाँ, ये फर्स्ट डिवाइस आपको देखने को मिलता है Redmi Note सीरीज का जहां पर आपको 128GB की इंटरनल मेमोरी जो है वो देखने को मिलती है। बाकी जो ब्रांड्स हैं वहां पर आपको देखने को मिल चुकी है। अगर मैं बात करता हूँ 17,000 की, Realme 2 Pro में आई थिंक आपको मिली थी 128 की, और वो प्राइस जो था उसका 18,000 रुपये था, तो इसका प्राइस कम भी है, लेकिन Redmi Note सीरीज में अभी तक आपको 128GB की इंटरनल मेमोरी किसी भी फोन में देखने को नहीं मिली थी, चाहे Redmi Note 5 Pro ले लो, 6 Pro ले लो, 5 ले लो, कोई भी ले लो भाई। तो यहाँ पर ये पहला Redmi Note सीरीज का डिवाइस बन जाता है जो 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिलता है। हालांकि यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, लेकिन 128GB भाई बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद दोस्तों पांचवें फैक्ट की बात कर लेता हूं, तो वो आता है यार इसका प्राइस पॉइंट, यानी कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। अगर हम 13,919 रुपीज को देखते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है वो आपको दिए गए हैं, ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, उनको सबको टिक कर दिया है। एक हाइब्रिड सिम स्लॉट को अगर छोड़ दीजिए, देखिए आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, ड्यू ड्रॉप मिल जाती है, रियर साइड में भी ग्लास पैनल मिलता है, यानी कि प्रीमियम डिजाइन मिलता है, ग्रेडिएंट फिनिश मिलती है, यहाँ पर आपको मैसिव बैटरी मिलती है, 4000mAh की टाइप सी मिलता है, क्विक चार्ज 4.0 प्लस का सपोर्ट मिलता है, स्नैपड्रैगन 675 मिलता है, आपको सोनी IMX का 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है, EIS मिल जाता है, आपको नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है, आपको 4GB वोल्टी मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है यहाँ पर, और मतलब IR ब्लास्टर मिल जाता है। तो भाई सारे के सारे जितने भी चेक बॉक्स हैं उनको लगभग कवर कर दिया है। अगर आप
अगर आपको लगता है कि अंडर 14,000 कोई और स्मार्टफोन ऐसा है जो कि इन सभी टिक बॉक्स को मतलब चेक कर देता है, कंप्लीट कर देता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। दोस्तों उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यार उस एक रीज़न की यार जिसको हमें मतलब थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, हमें दिक्कत हो सकती है, वो होती है इसकी को लेकर, इसकी परचेज को लेकर। क्योंकि देखिए 13 मार्च से इसकी जो है फ्लैश सेल होने वाली है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अब देखिए ये इस फ़ोन की हाइप इतनी ज़्यादा होने वाली है, मैं आपको बताऊँ कि इतना फास्ट ये फ़ोन बिकने वाला है, दोबारा से जो ब्लैक मार्केटिंग है वो चालू होने वाली है भाई, और जो जेन्युइन बायर्स हैं यार उनको ये फ़ोन काफ़ी लेट जो है वो मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है रेडमी नोट 5 प्रो के टाइम पे क्या हुआ था, हालांकि Redmi Note 6 Pro के टाइम पे नहीं हुआ था, लेकिन Redmi Note 5 Pro पे 2,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा पे किए थे लोगों ने। जी हाँ, तो यहाँ पर इस फोन की अवेलेबिलिटी पर बहुत ही बड़ा जो है सवाल उठ जाता है। और आप लोग यार नीचे कमेंट सेक्शन करके बताइए, कमेंट में बताइए कि इस चीज़ को कैसे जो है वो रोका जा सकता है, और आपके क्या विचार हैं, आप कुछ Xiaomi को MI को कहना चाहते हो, Flipkart को कहना चाहते हो कि इसकी फ्लैश सेल को मतलब यार हटा कर इसको ओपन सेल में लाया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी होने वाली है। क्योंकि प्राइस जो है यार, प्राइस इतना ज़बरदस्त रखा है लेकिन 2,000 रुपये हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे फिर फ़ायदा क्या होगा इतनी बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशंस का। लेकिन लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा यार, कमाल कर दिया है Xiaomi ने, MI ने, Redmi ने, भाई जो भी कह लो, 14,000 में किलर डिवाइस है। देखते हैं आप कौन सा ब्रांड ऐसा आता है जो इसको टक्कर दे सकता है या नहीं दे सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना अगर आपको लगता है कोई ब्रांड जो है वो आपको लगता है कि इसको टक्कर दे देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा, थोड़ा अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।